आज हम यही रेसिपी बनाने वाले हैं, सुपर ठंडा ठंडा इफ्तार में पीने वाला। आप इसको इफ्तार में भी पी सकते हैं या इसको ऐसे ही पी सकते हैं जब धूप से अब आते हैं। तो ये बहुत ही ठंडा ठंडा जूस है जिसका नाम है मोहब्बत का जूस। ओके, आप बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही यमी बनता है ये। आप एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को जो है पूरा वॉच कीजिएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। ये रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं भाई? मोहब्बत शरबत। आज हम बनाने वाले हैं मोहब्बत का शरबत। तो मुझे क्या हुआ था, मैं को इंस्टाग्राम पे डीएम आया था। ओके, वो इंस्टाग्राम पे डीएम आया था कि आप मोहब्बत का शरबत बना के दिखाओ मुझे। तो क्या आपके लिए मैंने बना दिया है मोहब्बत का शरबत। मैंने सच किया, मोहब्बत दिल्ली फेमस मोहब्बत का शरबत है ये। ओके, बहुत ही अच्छा टेस्टी है, दिल्ली फेमस। तो मैं चलिए आप लोगों की डिमांड पूरी कर देते हैं, बना देते हैं मोहब्बत का शरबत। जब पहली बार बोला ना घर पे सब हंसने लगे थे, मोहब्बत का शरबत नाम में देखे कि भाई मोहब्बत का शरबत। तो आज हम यही रेसिपी बनाने का, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो वीडियो शुरुआत करते हैं आज की हमारी एक शानदार रेसिपी के लिए और एक हटके रेसिपी के लिए। ये पूरी रेसिपी में से हटके रेसिपी है ये, शुरुआत करते हैं। शरबत बनाने के लिए ले लेंगे दूध सबसे पहला। और दूध लेने के बाद अभी हम लोगों ने रख दिए है बर्तन को एक गर्म करने के लिए। अभी बर्तन को अच्छे तरीके से गर्म कर देंगे। ओके, बर्तन गर्म होने के बाद अब इसमें डाल देंगे हमारा दूध। ओके, अब इस तरीके से हमारा दूध डाल देंगे और दूध को जो है वो अच्छे तरीके से गर्म करके ले लेना है। अच्छे तरीके से इसको गर्म कर लेना है, दूध को पूरा अच्छे से उबाल लाना है, फिर गैस बंद कर देना है। ओके, देखिए अच्छे तरीके से ऑलमोस्ट दूध को उबाल आ गया है। देखिए अच्छे तरीके से बाजू से मलाई भी छूट गई है, मतलब हमारा दूध जो है अच्छे तरीके से उबल गया है। अब क्या करेंगे, अब दूध गैस बंद कर देंगे, दूध को बंद कर देंगे, बर्तन को उतार देंगे गैस से। अब क्या करना है, दूध को ठंडा होने देंगे। हाँ, दूध को ठंडा होने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम लोग रूह अफ़ज़ा। ओके, आप इसमें रूह अफ़ज़ा डाल देना, तो शक्कर नहीं डालते हुए चला, क्योंकि रूह अफ़ज़ा ऑलरेडी मीठा रहता है। लेकिन आप थोड़ी शक्कर भी डाल सकते हैं और रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं रूह अफ़ज़ा डाल देंगे अभी हम लोग। ओके, इस तरीके से रूह अफ़ज़ा डाल देंगे और फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। ओके, अच्छे तरीके से दूध को जो है मिक्स कर लेना है। रूह अफ़ज़ा डालने के बाद दूध जो है हमारा रेडी हो गया। देखिए अभी और थोड़ा रूह अफ़ज़ा डाल देंगे ऊपर से और अच्छे तरीके से दूध को हिला लेंगे, जो भी रूह अफ़ज़ा है अच्छे तरीके से मिक्स करके ले लेंगे। ओके, देखिए इस तरीके से कुछ हो गया है, हमारा दूध ठंडा हो गया है। तो अभी अच्छे तरीके से और मिक्स कर लेना है। अब इसमें डाल देंगे हम लोग बर्फ़ का एक बड़ा टुकड़ा। ये मेन है हमारे मोहब्बत के जूस में, ये बड़े मेन चीज़ है। ओके, अभी ये इसमें डाल देंगे स्लो से, ऐसा डालना तो उड़ जाएगा। ये डाल दिया हमारा ठंडा ठंडा बर्फ़ और ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी होता आया है हमारा शरबत। ओके, देखिए इस तरीके से कुछ, और अभी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें कुछ डाल देना है। ओके, फ्रूट्स भी डाल देना है अभी इसमें। ओके, हमें फ्रूट डालने वाले अभी इसमें। अभी देखिए मैंने लिया है कड़िंगर, अब इसमें डाल देंगे कड़िंगर हम लोग। ओके, इसमें डाल देंगे कड़िंगर। अभी अच्छे से कड़िंगर डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं चीकू। ओके, आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा भी फ्रूट डाल सकते हैं। थोड़ा सा चीकू और थोड़ा सा पाइनएप्पल मिक्स करके आप डाल दीजिएगा। ओके, अभी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और ये अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अभी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है हमारा मोहब्बत का शरबत। ओके, अभी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं फ्रिज में, जो ऑलमोस्ट इतना बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया हमने, तो ठंडा तो हो गया है वो ऑलमोस्ट। ओके, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, अब इसको अभी निकाल देंगे इसको ग्लास में। ओके, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर अभी इसको निकाल देंगे ग्लास में। देखिए रेडी हो गया है हमारा मोहब्बत का शरबत। तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनती है रेसिपी। ओके, मैंने खुद अभी, आप इस इफ्तार में भी ट्राई कर सकते हैं। इफ्तार में तो ठंडा पीते ही, ताकि इफ्तार में ज़रूर बनाएंगे, घर वाले पीते रह जाएंगे। बहुत ही यमी लगता है ये जूस, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है।
बहुत ही मज़ा आया। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत टेस्टी था। हमारा कैसा बना था? मोहब्बत का शरबत अच्छा था, बहुत टेस्टी। मोहब्बत का शरबत मोहब्बत से बनाया था, कैसा बना था? बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी बना था, और एकदम अलग ही लग रहा था। उस जूस से अलग ही है, जैसे नाम है वैसे जूस भी वो अलग ही है। जैसे नॉर्मल जूस रहता है, आप सोचो नॉर्मल जूस रहता है, वो नॉर्मल जूस नहीं थे, जूस से अलग ही है वो। जैसा नाम भी अलग है, वैसे जूस भी वो अलग ही है। तो आप जब कभी पता चलेगा, आप जब बना के पियोगे जब पता चलेगा। ओके ओके, बना के पियोगे जब पता चलेगा। अगर वीडियो में नया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे हट के रेसिपी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और डिमांड करिए और इसे मुझे भेजिए क्या क्या बनाना है। ओके, बना देंगे हम आपके लिए। चलिए जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।